बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की प्रोग्रेसिव इंग्लिश पर है और आज से हम शुरू करेंगे जी यूनिट नंबर 4, शुगर एंड स्पाइसेस का पहला लेसन की जो एक्सरसाइज है आज वो शेयर करेंगे। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में और लेसन शेयर करेंगे। तो इस लेसन का नाम है बेसिकली क्रिस्पी क्रीम डोनट्स से रिलेटेड ये लेसन है और इसका नाम है न्यूज़पेपर आर्टिकल। इसके जो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 88 पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का, व्हाट डज माइकल टॉम प्रेडिक्ट्स, इस शख्स ने क्या चीज़ को प्रेडिक्ट किया था, मिर्चन जो थे उन्होंने क्या प्रेडिक्शन दी थी, क्या ख्याल आपने जो है ख्यालात का इजहार किया था। मिर्चन टॉम प्रेडिक्ट्स दैट क्रिस्पी क्रीम डोनट्स आर सेल्स फिनोमेना इन द US विल इंजॉय मैसिव सक्सेस इन ब्रिटेन। वो उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो क्रिस्पी क्रीम डोनट्स का जो एक फिनोमेना है, जो एक सिलसिला है सेल परचेज का, वो जो है एक वक्त आएगा वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ब्रिटेन के अंदर, यानी क्रिस्पी जो डोनट्स हैं उनके वो इतने ज़्यादा सेल होंगे कि वो इतने ज़्यादा उनको सक्सेस हासिल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द क्रिस्पी क्रीम कंपनीज प्लान फॉर एक्सपेंशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर जो क्रिस्पी क्रीम कंपनी का क्या प्लान्स थे कि किस तरह से वो ब्रिटेन के अंदर अपने जो इस कंपनी को है वो मज़ीद और ज़्यादा फैला देंगे, मज़ीद और ज़्यादा स्प्रेड कर देंगे। तो आंसर देखिए, द फर्स्ट क्रिस्पी क्रीम शॉप आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका ओपन्ड इन हॉवर्ड फूड हॉल लास्ट मंथ एंड अनदर फॉर प्लांट इन द UK ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। उनका ये प्लान था कि वो अगले 5 साल के अंदर जो UK के अंदर मज़ीद और जो है इसके जो ब्रांचेज हैं वो ओपन करेंगे ताकि वो मज़ीद और सक्सेस हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ एन इंस DVD एंड वट इज़ वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज, इज DVD क्या है और उसका क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इसका आंसर देखिए, इंस DVD द डिस्क ऑक्सीडाइज 48 आवर्स आफ्टर बींग रिमूव्ड फ्राम देयर वैक्यूम सील, सो दैट दे कैन नो लॉन्गर बी यूज, दे आर इन पार्ट इंटेंडेड टू सेव पीपल द बदर ऑफ रिटर्निंग फिल्म टू हाई शॉप्स। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो DVD डिस्क है ना, वो एक ऐसी डिस्क है जिसका क्या है, जिसकी अगर सील को जिसको अनपैक कर दिया जाए और उसको 48 आवर्स के अंदर हम देख सकते हैं जब हम ख़रीद लें उसके 48 आवर के बाद, और 48 आवर के बाद वो जो DVD है वो एक्सपायर हो जाती है। ये एक उसका डिसएडवांटेज भी है और वो ये एक इसकी डेफिनेशन भी है। अगला क्वेश्चन, वाई आर क्रिस्पी क्रीम डोनट्स सो इरेजिस्टेबल टू द कंज्यूमर्स। क्रिस्पी क्रीम जो डोनट्स हैं वो क्यों जो है खाने वाले के लिए, कंज्यूमर कहते हैं जो खरीद कर बाय करके खाता है, उसके लिए क्यों इतने इरेजिस्टेबल थे। तो इसका आंसर देखिए, क्रिस्पी क्रीम्स आर नोशियस फॉर देयर हाई फैट कॉन्टेंट, राइजिंग फेयर दे कुड एक्सेलरेट अनदर अमेरिकन लाइफ स्टाइल इम्पोर्ट ओबिसिटी। जो क्रिस्पी क्रीम डोनट्स थे ना, उनका मसला ये था कि उसके अंदर एक तो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा था, यानी जो मोटापा क्रिएट करती है ना चीज़ें, उस चीज़ की उन चीज़ों की मकदार ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा था अमेरिका में, ओबिसिटी यानी मोटापे की जो बीमारी है वो फैलती चली जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई आर डाइटिशियंस वर्ड अबाउट क्रिस्पी क्रीम डोनट्स। क्रिस्पी क्रीम डोनट्स से के मुतालिक जितने अमेरिका में और इर्द गिर्द के जगहों पर, ब्रिटेन वगैरह में जो डाइटिशन थे वो क्यों इतने परेशान हो रहे थे क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के हवाले से, उस चीज़ के हवाले से। इसका आंसर देखिए, दे वांट दैट द फैट कंटेंट वाज सो हाई पीपल शुड लिमिट देमसेल्फ टू 1 a day। उन्होंने ये जो डाइटिशंस थे उन्होंने कहा था कि लोगों को चाहिए कि इसके, क्योंकि क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के अंदर जो है फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो वो उन्हें चाहिए कि वो कम से कम इसका इस्तेमाल करें, यानी एक दिन में सिर्फ एक डोनट खाएँ, ज़्यादा डोनट्स का इस्तेमाल ना करें। वाई इज़ डॉक्टर एन कैम्बेल क्रिटिकल ऑफ द क्रिस्पी क्रीम कंपनीज। जो डॉक्टर एन बेल कैम्बेल थे वो क्यों जो है क्रिस्पी क्रीम कंपनी के ख़िलाफ़ थे, यानी उसके मुतालिक क्यों जो है वो परेशान कुन हालात में थे। तो इसका आंसर देखिए, ही अक्यूज्ड क्रिस्पी क्रीम ऑफ साइनिकली बल्किंग द ट्रेंड फॉर हेल्दी ईटिंग एट अ टाइम when other food manufacturers are reducing salt content and portion sizes।
अगला क्वेश्चन, हाउ इज द सक्सेस ऑफ क्रिस्पी क्रीम कंपनी शो इन इट्स प्रॉफिट्स। अच्छा, क्रिस्पी क्रीम कंपनी की जो तरक्की है वो उसके प्रॉफिट में किस तरह से इजाफा कर रही थी। तो इसका आंसर देखिए, इन अमेरिका क्रिस्पी क्रीम हैज़ डबल्ड इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंड इट्स पास्ट 3 ईयर्स सॉरी फॉर द पास्ट 3 ईयर्स एंड इट्स शेयर प्राइस हैज़ क्वांट्रबल्ड। क्वांट्रबल्ड का मतलब होता है डबल हो जाना, मिकदार का ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ का इंक्रीज कर जाना। तो ये थे मेरी जी आज की वीडियो, जो कि थी जी पहले आर्टिकल जो था ये न्यूज़पेपर आर्टिकल, इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।